तीसरा पहले निपटाते हैं, इसके बाद बाकी प्रूफ करते हैं। प्रूफ सॉरी, ये बताओ एक्सटीरियर की डिफिनेशन क्या लिखी है? अगर मुझको एक्सटीरियर ऑफ कैपिटल ए निकालना है तो इसका मतलब मुझको ए कॉम्प्लीमेंट का क्या निकालना पड़ेगा? इंटीरियर निकालना पड़ेगा। हाँ या ना? तो हम लोग एक काम करते हैं, इनको देखते हैं। एक्सटीरियर ऑफ फाई, इसका मतलब है फाई के कॉम्प्लीमेंट का क्या निकालना है? इंटीरियर। और फाई का कॉम्प्लीमेंट कौन? खुद एक्स। तो दिस इज इक्वल टू एक्स का इंटीरियर। और एक मेट्रिक स्पेस ओपन होता है एज वेल एज क्लोज्ड, तो एक्स का इंटीरियर एक्स itself, तो इसका मतलब exterior of phi is equal to x, पहला प्रूफ हो गया। इसी तरह से अगले में देखना, exterior of x is equal to x के complement का interior, और x का complement कौन? phi, phi का interior खुद कौन? phi, तो exterior of x is equal to phi, note कर लो पता है। मेरे को तीसरा वाला पहले पे लिखना, देखो डस्ट क्लेस का इतना फायदा होता है ना, इतनी बड़ी चौक बस, ठीक। अभी पूरी क्लास इसी से चल जाएगा, ये बची रहती है। एक इसकी जो बड़ी स्टिक आती है वो अगर तुम्हारे पास मौजूद है, तुम तीन तीन घंटे की चार एक्स्ट्रा क्लास पढ़ा सकते हो और वो खत्म नहीं होगी, तब भी बची रहेगी थोड़ी बहुत। मेरे जैसा आदमी है तो भले खत्म हो जाए, खड़े रहेंगे झूठे बटोर पूछते रहेंगे, उसको खींचते हैं पहले के। ये कंडीशन है उसकी, बहुत तेज सोचता है। ये हो गया, चलो अब पहला वाला करते हैं, इसको मिटाने हैं। सबसे ज्यादा लंबी तो नहीं है, हमसे नहीं बना सही लंबे लंबे होने के फायदे, नकल उकल करना हो आपके आगे छोटी हाइट वाला बेटा, आप ऐसे खाली गर्दन उठाओ बस। उसके बाद अगर मेरे को जिराफ कोई बनाते ना, तुरंत खुशी खुशी बन जाए, बनाए आपका दिल फट जाए। पहले को प्रूफ करते हैं, ए सबसे ठीक है तो साबित करना है एक्सटीरियर ऑफ बी सबसेट होगा एक्सटीरियर ऑफ किसका, ए का उल्टा होगा इसका, ठीक। करेंगे क्या, अगर आप ए सबसेट बी मान रहे हो तो इसका मतलब ए के सारे एलिमेंट किसके पास होंगे? बी के पास। अब इनको उनका सबसेट दिखाना है तो आप कैपिटल ए का एक्सटीरियर पॉइंट चुनो, सॉरी कैपिटल बी का एक्सटीरियर पॉइंट चुनो और दिखा दो कि वो पॉइंट किसमें बिलोंग कर जाएगा, एक्सटीरियर ऑफ ए में बिलोंग करेगा। तो जब आप इसका आर्बिट्री पॉइंट चुन रहे हो और वो दूसरे में चला जा रहा है तो ये पूरा का पूरा दूसरे वाले का क्या हो जाएगा? सबसेट हो जाएगा। क्लियर है? लिखना इस बात को, लेट एनी स्मॉल एक्स बिलोंग टू द एक्सटीरियर ऑफ बी। माना कोई एक्स है जो एक्सटीरियर ऑफ बी से बिलोंग करता है, और अगर ये एक्सटीरियर ऑफ बी से बिलोंग करता है तो एक्सटीरियर ऑफ बी एक्चुअल में होता कौन है? ये होता है बी के कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर, यानी एक्स बिलोंग टू बी कॉम्प्लीमेंट इंटीरियर। और अगर एक्स बी कॉम्प्लीमेंट के इंटीरियर में जा रहा है तो इसका मतलब हुआ दिस इंप्लाइज दैट बी कॉम्प्लीमेंट इज, बोलो B complement is neighborhood NBD of small x, ठीक। कोई किसी का इंटीरियर बना तो सेट पॉइंट के लिए किसका काम करेगा? नेबरहुड का काम करेगा, ठीक। लेकिन बट हमें एक बात पता है, A सबसेट है किसका? B का। और अगर A B का सबसेट है तो मुझको एक रिलेशन बहुत पहले से पता है, दिस इंप्लाइज दैट B का कॉम्प्लीमेंट कंफर्मली बी का सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। ये बात याद है, नोट करो।
इनको कंबाइन लिखो। एक तरफ आप कह रहे हो बी का कॉम्प्लीमेंट नेबरहुड है किसका, एक्स का, और आप कह रहे हो ए कॉम्प्लीमेंट सुपर सेट है बी कॉम्प्लीमेंट का, तो अगर कोई सेट नेबरहुड है तो सुपर सेट भी नेबरहुड होगा, यानी दिस इंप्लाइज दैट ए कॉम्प्लीमेंट इज एनबीडी ऑफ एक्स लिखा जा सकता है, और अगर ए कॉम्प्लीमेंट एक्स का नेबरहुड है तो दिस इंप्लाइज दैट एक्स इज क्या इंटीरियर, एक्स इज इंटीरियर पॉइंट, इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, दैट इज अर्थात एक्स बिलोंग टू द ए कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर, और ए कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर एक्चुअल में कौन होता है, एक्सटीरियर ऑफ ए। अब सोचो तुम शुरू कहां से किए थे, एक्स बिलोंग टू एक्सटीरियर ऑफ बी, और वो बैठ कहां गया, एक्सटीरियर ऑफ ए में, ठीक। सो इसलिए एक्सटीरियर ऑफ बी, या रुको रुको, सिंस एक्स इज आर्बिटरी, ये भूल गए, सिंस एक्स इज आर्बिटरी, एक्स इज आर्बिटरी पॉइंट, आर्बिटरी पॉइंट ऑफ, क्योंकि एक्स आर्बिटरी पॉइंट है किसका, ऑफ एक्सटीरियर ऑफ बी, ठीक। सो इसलिए एक्सटीरियर ऑफ बी इज द सबसेट ऑफ एक्सटीरियर ऑफ कितना ए। अब नोट कर लो पूरा, टाइम से निकला कर बच्ची, तुम लोग लेट आते हो, रोड बन रहा है, विकास प्राधिकरण वाला जो इधर ये साथी को क्या किधर से बगराजपुर से आ रहे हैं ना, बगराजपुर से तो हनुमानगंज से लोहरामऊ साइड से ना, तो लोहरामऊ साइड से जब आती है तो यही राहुल चौराहे वाली सड़कें पकड़ती होगी, तो यही तो बन रही है ना, और खोद दिए अभी तो कुछ दिन पहले, गिट्टी बिछा दी है, अच्छा बड़ी बड़ी डाल दी है, अभी कुछ दिन पहले छोटी छोटी पड़ी हुई थी और उस पर रोलर चला हुआ था वो चिपकी हुई है, हम गए हुए थे ना उधर से, उन्हीं के यहाँ जो अपने बच्चे कह रहे थे हनुमान चालीसा सुनाओ, उनका बच्चा अलग ही कहानी का वगैरह, पापा भी हमारी पिट्टी कर देंगे, हनुमान चालीसा सुनाओ वगैरह पिट्टी कर देंगे, पिटाई कर देंगे, पिटाई से अपने पापा जगह भी हमारी पिट्टी कर देंगे, थोड़ी देर के बाद उसने नहीं रहा, थोड़ी देर तो असली जो बचपना होता है उसमें आ गया, फिर उसको जब कहे ना अब तुम गंदी बात कर रहे हो, अब तुम गंदी बात कर रहे हो, तो कह रहा है अभी पैंट में सुसु कर देंगे, अब जान का है उनको, हम गजब गजब बच्चे हैं इनके, क्या है लगा, अरे तगड़ी धमकी दिया, अब से ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, ज्यादा क्या सिर्फ मम्मी नहीं है सबसे छोटे बच्चों को झूठा ही कहते हैं, ये सुना वो सुना, नहीं मैंने नहीं सुनाएगा, फटाफट जितनी तेजी से हाथ चला सको उतनी तेजी से लिखो, सब फिर आगे बढ़े उसमें हिंदो रोकते, अगला लिखते सुनो, सेकंड में क्या दिखाना है, एक्सटीरियर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्सटीरियर ऑफ ए इंटरसेक्शन एक्सटीरियर ऑफ बी, चलो सेकंड लिखाओ, सेकंड है एक्सटीरियर ऑफ ए यूनियन बी, एक्चुअल में कौन होता है बोलो, एक्सटीरियर ऑफ ए यूनियन बी क्या लिखें, ए यूनियन बी के होल कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर, हाँ यार, और ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट मतलब ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट पूरे का इंटीरियर, और ए इंटरसेक्शन बी का होल इंटीरियर तुम लोग निकाल चुके हो, ये ए है ये इंटरसेक्शन, ये बी है पूरे का इंटीरियर, ए का इंटीरियर इंटरसेक्शन बी का
इंटीरियर, मतलब हम ए बी इसलिए बोल रहे हैं ना, हम ये पूरा मान रहे हैं, ये कोई कैपिटल ए है, ये कोई कैपिटल बी है, तो ए इंटरसेक्शन बी का होल इंटीरियर, ए का इंटीरियर इंटरसेक्शन बी का। अब चूंकि वो कॉम्प्लीमेंट में, तो देखिए ये कौन है, ये एक्चुअल में पूरा पढ़ो, एक्सटीरियर ऑफ ए और इंटरसेक्शन ये एक्सटीरियर ऑफ बी। लो प्रूफ हो गया, नोट कर आसान है नहीं, अब मिट्रिक स्पेस हम जल्दी जल्दी इसको निपटा देंगे, क्योंकि मिट्रिक स्पेस में अभी हमको सीक्वेंस पढ़ाना है, उसको हम ख्याल ही नहीं किए थे कि अभी इसमें सीक्वेंस है, ये लटक जाएगा इस हिसाब से, तो और मेरे पे ये जितनी जल्दी खत्म हो उतना ही आपको, क्योंकि यन्ने में बहुत मेहनत नहीं है लेकिन इसमें मेहनत है, यन्ने में कुछ नहीं करना, एक दिन फार्मूला निकालो, दो दिन सवाल लगाओ, खत्म एक चैप्टर, वही न्यूटन ग्रेगरी इंटरपोलेशन, वही लैग्रांज इंटरपोलेशन। ये बताओ डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड सेट लिखा चुके हैं? अरे नहीं, क्या तुरंत नहीं कहेंगे? डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड सेट लिखा है मैंने, पॉइंट एंड क्या था बताओ? एक रिमा, बोले बोले, सेट के अंदर जितने पॉइंट हैं, अगर किसी पॉइंट की सेट से दूरी निकालनी है, अगर किसी पॉइंट की सेट से दूरी निकालनी है, तो सेट के अंदर जितने पॉइंट है उनसे उस पॉइंट की दूरी निकाल लो, और पूरा जो सेट आ रहा है उस सेट का क्या निकाल लो, इंफीमा, तो वो आपका डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड सेट बन जाएगा। जिनको भूल गया है उनको याद दिला रहे हैं, ये पॉइंट एक्स है, ये हमारा सेट ए है, ठीक। अब इन दोनों के बीच में मान लो यहां पर ये सारे पॉइंट हैं, ये केवल दिखाने के लिए इसको बाहर करिए हैं, बाकी ये कहीं भी हो सकता है, ये पॉइंट है, ये लोग x1, x2, x3, x4, x5, x6 जितने भी हैं सब, हम करेंगे क्या, हम पूरा एक कलेक्शन बनाएंगे, कलेक्शन, इट इज द कलेक्शन ऑफ डिस्टेंस बिटवीन x एंड एक्स आई, सच दैट एक्स आई बिलोंग टू आवर सेट कैपिटल ए, कैपिटल ए में जितने पॉइंट मौजूद हैं उन सभी पॉइंट की एक्स से क्या निकाल लो, दूरी निकाल लो, ठीक है। और ये डी कौन सी मेट्रिक होगी जो आपके मेट्रिक स्पेस पर डिफाइंड है, जैसे ए सबसेट है किसका, एक्स का, और पेयर एक्स डी आपका कौन है, मेट्रिक स्पेस, तो इस मेट्रिक का इस्तेमाल करते हुए आप ये सारी डिस्टेंस निकालो, ये तो पूरा सेट बनेगा, ये फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा आपके सेट कैपिटल ए के ऊपर, तो इस पूरे सेट का बाद में आप क्या निकाल लो, इनफीमा निकाल लो, ये होता है डिस्टेंस बिटवीन आवर पॉइंट एक्स एंड आवर सेट कैपिटल ए, ये होता है। आई बात सुन, अब अपने को जो थ्योरम प्रूव करनी है वो थ्योरम ये कहती है कि अगर एक्स को कैपिटल ए का, अगर एक्स को कैपिटल ए का एक्सटीरियर पॉइंट बनना है तो कंपलसरी है कि डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड ए हर हाल में ग्रेटर देन क्या होनी चाहिए, मतलब जो इनफीमा निकल करके आए ना वो इनफीमा पक्की बात है पॉजिटिव ही आना चाहिए, अगर इनफीमा जीरो हो गया तो आप एक्सटीरियर नहीं बन सकते हो, आई बात है समझ में, क्योंकि दूरी है नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, या तो दूरी जीरो होगी और या तो जीरो से ज्यादा होगी, तो अगर वो जीरो हो गई तो पॉइंट एक्सटीरियर पॉइंट नहीं बन सकता है, यही अपने को साबित करना है। चलें शुरुआत करें, लिखना थ्योरम, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, थ्योरम है नेसेसरी एंड सफिशिएंट, एन एंड एस शॉर्ट में लिखे समझ जाओगे ना, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर स्मॉल एक्स, फॉर स्मॉल एक्स टू बी, to the exterior point of A
टू बी एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ कैपिटल ए इज दैट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एक्स एंड सेट ए इज कंफर्मली ग्रेटर देन जीरो. ये खत्म हो अप्रैल में तुम लोगों के एग्जाम लगेंगे. अप्रैल में भी वो मान के चलो ना 15-15 अप्रैल के आसपास जाएगा अप्रैल में. लेकिन ये है अप्रैल में शुरू करेंगे और जहां तक है अप्रैल में ही खत्म करेंगे. मैक्सिमम जाएंगे तो 5 महीने तक जाएंगे मैक्सिमम, इसके बाद नहीं जाएंगे. तकलीफ में हो काहे के लिए? तकलीफ में 5 मई तक? अरे 15 से अगर स्टार्ट करेंगे 5 मई तक जा रहे हैं तो तुमको अच्छी खासी गैपिंग भी तो दे रहे हैं. गैपिंग नहीं चाहिए? नहीं देंगे, नहीं देंगे. थर्ड ईयर है पक्का देंगे. पिछली बार तो वैसे ही बह गई थी ना, इस बार देंगे पक्की बात. नस्ल गए हो तुम लोग क्या कर सकते हैं? अच्छा ये लोग आ रहे हैं नहीं लेना कैपिटल ए. यहाँ पॉइंट हम ले रहे हैं स्मॉल एक्स, ये बस मेंशन करने के लिए इतना दूर बना रहे हैं. अदरवाइज कहीं भी हो सकता है ठीक. और ये जो दूरी है इसके इर्द गिर्द हम एक नेबरहुड बना देते हैं. ये पॉइंट एक्स है ठीक. ये पूरी रेडियस हम आर मान लेते हैं और ये हम आर वन मान लेते हैं. बना लो फिगर. और ये बताना अगर हम इस सेट को कैपिटल ए मान रहे हैं, ये आपका पूरा पेयर मीट्रिक स्पेस पेयर एक्स भी है ठीक है. मीट्रिक स्पेस पूरा, उस मीट्रिक स्पेस के अंदर का एक मैंने सेट लिया है कैपिटल ए. तो ये बताओ इसके बाहर बाहर वाला ये हिस्सा कौन है? मतलब ये आपके ए कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है. ए कॉम्प्लीमेंट ये खाली फिगर में मेंशन किया है, बाकी भी मैथमेटिकल ये सब लिखेंगे. पॉइंट माना है एक्स और इसके लिए आर वन रेडियस से एक नेबरहुड बना लिया है ठीक. तो सेंटर एक्स और रेडियस आर वन, ये एक ओपन स्फीयर है. और यहां से यानी पॉइंट एक्स से जो सेट की दूरी है उसको हम कितना माने हैं आर. मेरे को दिखाना है डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड ए कंफर्मली ग्रेटर देन कितना है? जीरो. यानी आर ग्रेटर देन जीरो दिखाना है आपको. थर्ड ईयर में एक्स्ट्रा क्लास नहीं लग रही कहीं से, सब इतना में सब दूर दूर अभी सोच रहे हैं कितना कम से कम पढ़ना पड़े. एक चैप्टर असाइनमेंट और दो चैप्टर वो निपटा देना बस खत्म है मामला. खोज रहे हैं कल खोजेंगे एक्स्ट्रा क्लास. कौन सा? अरे तुम लोग मना करने से थोड़ी होगा, दो लोग भी आएंगे हम पढ़ा देंगे, ऐसा थोड़ी है. क्योंकि हमको भी खत्म करना है. बहुत नौटंकी हो रही है, मेरा पूरा मार्च खराब जाएगा अगर हम ऐसे ही पढ़ाते रहे. मेरा पूरा मार्च खराब जाएगा क्योंकि पता चले उधर एमएससी चल रही है, उनमें बाकी रह गया है. वो ऑपरेशन रिसर्च के पेपर बहुत बड़ा है, इसको आप अगर सही सलामत पढ़ाने पढ़ा दो ना तो खत्म खत्म होने के लिए बना नहीं है. उधर हम ऑपरेशन रिसर्च पढ़ा रहे हैं, इधर हम एलपीसी पढ़ा रहे हैं और दोनों में मेरी लंका लगी पड़ी हुई है. इधर भी बाकी चल रहा है, उधर भी बाकी चल रहा है, बाकी सब लोग अपना अपना खत्म करके घूम रहे हैं. खत्म क्या किया बस खत्म. सबके बराबर हम नहीं, कहाँ है सबका 2-3 बचा. वो लोग कहते हैं खत्म हो गया. दो दिन हो वो लोग कहते हैं खत्म हो गया. और उनको एक क्लास मिला वो 4 चैप्टर खत्म कर देंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है? सबसे पहला मानते हैं, सुनो दो चीजें दिखा दी है, नेसेसरी एंड सफिशियंट है ना. तो एक बार हम मानेंगे, माना एक्स कैपिटल ए का एक्सटीरियर पॉइंट है तो ये साबित करेंगे.
फिर ये मानेंगे और एक्स को क्या दिखा देंगे एक्सटीरियर। पहले चलो ये मानते हैं, माना डिस्टेंस बिटवीन एक्स से ग्रेटर देन कितना है, जीरो। तो साबित करेंगे अगर ऐसा हुआ तो एक्स कैसा पॉइंट बन जाएगा, एक्सटीरियर। और ये बताओ डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड ए हम लोग कितना माने हैं, आर। तो हम लोग मानने चल रहे हैं लेट आर ग्रेटर देन जीरो। लिखना लेट माना डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एक्स एंड सेट ए इज इक्वल टू आर इज ग्रेटर देन कितना, जीरो। अब टेक हम क्या करते हैं, इस रेडियस आर वन को, चूंकि ये रेडियस आर वन मेरे ऊपर है इसको हम चुनेंगे, तो हम आर वन को ऐसा लेते हैं। नंबर थ्योरी कहती है, नंबर थ्योरी मतलब रियल एनालिसिस में हम लोग इस बात को जानते हैं कि अगर दो रियल नंबर लिखे गए ए और बी तो इनके बीच में ऑर्डरिंग होल्ड होगी, और ऑर्डरिंग में दो में तीन में से एक ही बात होगी, आइदर ए लेस देन बी और ए इज इक्वल टू बी और ए ग्रेटर देन बी होगा। होगा अब मेरे पास एक तो हो गई, डिस्टेंस कितनी आर, तो एक नंबर हम और प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो जो नंबर हम प्रोड्यूस कर रहे हैं अपने आप से मान रहे हैं वो तीनों में से एक कंडीशन फॉलो कर सकता है, या तो जिस R1 को हम माने वो R1 बराबर R हो जाए भाई मेरे ऊपर है, या तो जिस R1 को हम माने वो R1 ग्रेटर देन R हो जाए, और या तो वो R1 लेस देन कितना हो जाए R। हम ये लास्ट वाली कंडीशन मान के चल रहे हैं, और ये हम हमेशा कर सकते हैं, इससे आपको कोई रोक नहीं सकता। क्यों, क्योंकि आप कह रहे हो डिस्टेंस बिटवीन एक्स ए इज ग्रेटर देन कितना, जीरो, यानी आर ग्रेटर देन कितना, जीरो। और जब आर ग्रेटर देन जीरो है तो एक रियल नंबर आर और एक रियल नंबर जीरो, इन दोनों के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर होते हैं। तो अगर आप आर वन मानना चाहो तो आप आर वन को आर बाई कितना मान सकते हो, टू मान सकते हो, कोई दिक्कत किसी को। तो हम आर वन को ऐसा मानेंगे कि लेट आर वन लेस देन स्मॉल आर, ये हम मानने चल रहे हैं। एक R1, एक R1 less than small r, ठीक। और अगर R1 less than small r है, अब अपने दिमाग से सोचना, ये पूरी दूरी कितनी है यहां से यहां तक r, और आप कह रहे हो ये पॉइंट x है, तो आप R1 को इससे कम मान रहे हो, मतलब पहले ही रुक जाएगा कि नहीं, और पहले रुक जाएगा तो जब आप इसको सेंटर मान करके ओपन स्क्वायर x r1 विद रेडियस r1 ये आप डिजाइन करोगे, तो चूंकि R1 इतना बड़ा नहीं है कि वो उसको जाकर के इंटरसेक्ट करे, बल्कि वो छोटा है, तो ये पूरा ओपन स्पेयर किस में रुक जाएगा, एक कॉम्प्लीमेंट में रुक जाएगा। क्लियर है ये बातें, लिखना ओपन स्पेयर विद सेंटर एक्स रेडियस R1 इज द सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक लिख सकते हैं। और भैया अगर ये ओपन स्पेयर सबसेट हो गया ए कॉम्प्लीमेंट का, तो तुम गौर करो ये तुमको क्या लिखा, दिस इंप्लाइज दैट x belong to the open square with center x radius r1 and this is the subset of a complement, yani this implies that a complement is neighborhood of point x, aaya na sir। aur jaise hi aapne kaha a complement neighborhood hai x ka, turant aap kehte ho ki this implies that x is interior point of a complement, हाँ या ना, that is अर्थात x belong to a complement का interior, लेकिन सब लोग जानते हैं इसी को क्या कहते हो, exterior of a। गौर करो शुरू कहां से किए, डिस्टेंस बिटवीन x is equal to r greater than 0, और साबित क्या किए x belong to exterior of a, यही तो साबित करना था, ये किस्सा हो गया। इसका मतलब कंडीशन सफिशियंट है, जैसे ही आप कहोगे कि पॉइंट x और सेट के बीच की दूरी ग्रेटर देन 0 है, तुरंत आप गारंटी देते हो कि x कैपिटल A का कैसा पॉइंट बन चुका है, एक्सटीरियर, इंप्लाइज दैट कंडीशन इज सफिशियंट, कंडीशन इज सफिशियंट, कंडीशन इज सफिशियंट, नोट कर। अब उल्टा मानेंगे, अब हम x को एक्सटीरियर मानेंगे और डिस्टेंस बिटवीन r a ग्रेटर देन, सॉरी डिस्टेंस बिटवीन x a ग्रेटर देन कितना दिखाएंगे, जीरो। अच्छा ईमानदार इतना ना, ये सब पढ़ाने का मन नहीं करता है, पहले चैप्टर में इतना ज्यादा पढ़ा दिए हैं कि इसमें लगता है सब तो हुआ है, अभी क्या, अभी जब क्लोजर चलेगा, फ्रंटियर बाउंड्री चलेगा, सब हो चुका है ऑलरेडी, कोई जरूरत नहीं है उसकी, लेकिन अब है मजबूरी है,
जो रहा है उसको वहीं बढ़ाना पड़ेगा। मिटा दे इसको पूरा। तुम लोगों को भी लग रहा होगा ना क्या फालतू है, वही सब तो पढ़ा पढ़ाया है उनको, देखो याद कुछ नहीं है, खोपड़ी चमका रही। हाँ कल कौन सा दिन रहेगा? कल वेडनेसडे रहेगा, ठीक है। कल तुम लोगों को एलपीपी एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे ना, 10-20 से क्लास शुरू करेंगे, पहले बता दे रहे हैं। कौन सा? आज ही आज जैन सकता है। हाँ 10-20 से क्लास शुरू करेंगे और उसके बाद फिर 10-20 से 11-20, 11-20 से 12-20, 12-20 से 1 कोशिश होगी की असाइनमेंट बंद हो जाए तब सेंसिटिविटी एनालिसिस शुरू करेंगे, ठीक। तो कल ये क्लास रन करेगी क्योंकि कल हम एमएससी बुलाएंगे 1 बजे, अभी एमएससी सुबह आ रहा है इसलिए हमको टाइम नहीं मिल रहा है, ठीक। 1 बजे बुलाएंगे एमएससी और वीडियो भारी भरकम बनेंगे भाई, इतने लंबे वीडियो बनेंगे तो ऑब्वियस सी बात है आप 2 घंटे कौन सा कट करके नहीं अपलोड करेंगे बच्चे, अपलोड हम इकट्ठा करेंगे पूरा पूरा ना, इतने बड़े लेक्चर इकट्ठे अपलोड करेंगे जिससे इस पे व्यूज कम आए। जो वो गर्मी ना, और इधर जितने ये हैं ट्रांसपोर्टेशन वगैरह के ना, ये सब 1-1 घंटे के हैं, इस पे भी बहुत अच्छे खास है। 45 मिनट वाले में हाई फाई वाले लेकिन अब कन्वर्सली सपोज कन्वर्सली सपोज पता है यही होता है, जो जैसा होता है वो वैसा एक्सेप्ट करना चाहता है। हमारी कंडीशन ये है कि हम वो प्लेलिस्ट खोजते हैं, अगर आपको यूट्यूब पे कोई लेक्चर खोजना होगा ना तो हम वो प्लेलिस्ट खोजेंगे जिसमें सबसे ज्यादा लेक्चर होंगे। मेरे को ये लगता है ना कोई अगर डीपली पढ़ाया हुआ तो उसको पढ़ना ज्यादा अच्छा है क्योंकि उसने आपको लगभग हर चीज सिखा दी है, आपको थोड़ी चीजें एक्स्ट्रा मेहनत करके सीखनी है। जिसने सिखाया ही थोड़ा थोड़ा, आपने सीखा ही थोड़ा थोड़ा, तो इसका मतलब आपको पूरा नॉलेज आया ही नहीं। तो इसीलिए जब भी ग्रुप थ्योरी के लेक्चर खोजेंगे या किसी के रियल में या फिर लेवल इंटीग्रल की खोजेंगे तो वही प्लेलिस्ट नैप्टन के लेक्चर मुझको इसीलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि नैप्टन के लेक्चर पे, हाँ ये अलग बात है, नैप्टन पे जो भी प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं IIT वगैरह के, वो इतना हाई लेवल का पढ़ाते हैं कि अगर आपका बेसिक नहीं क्लियर तो आपको समझ नहीं आ सकता उसमें। तो उसके लिए बेसिक, अब मेरा बेसिक भाई मजबूत है तो हम उनके सुन डालते हैं, हम इंदर के राणा सर के पूरे लेक्चर सुन डाले, कुलकर्णी सर के मैंने सारे सुन डाले उनके, ठीक। अभी लीनियर अलजेब्रा का पढ़ा हुआ अभी मन नहीं क्योंकि डेविड सीले गिलबर्ट स्टडी लगा के उतना सीख चुके हैं, तो जो वो बताते हैं वो सब आता रहता है, तो इसीलिए एक्स्ट्रा नहीं सीख रहे। मेरी आदत हमेशा है उस लेक्चर पर टिक जाने की जो लेक्चर 1.5 घंटे के ऊपर की टाइम ड्यूरेशन का होगा, और ऐसा हम सबसे ज्यादा खोजते हैं फंक्शन, सबसे ज्यादा फंक्शन खोजते हैं। फंक्शन के मतलब मेरे ख्याल से हमने मोहित त्यागी सर का पूरा सुन लिया, गावेश भरदास सर का पूरा सुन लिया, एक और है उनका देखो नाम भूल गए हैं, दो और लेक्चर फंक्शन मैंने 4 बार पढ़ा, 4 अलग अलग टीचर से पढ़ा और ऐसे ही खोज खोज के, जबकि वो किताब से पढ़ा लेते उसके बावजूद भी पढ़े, फिर भी लगता है ना जैसे फंक्शन अभी भी कम आ रहा है, फिर भी ये लगता है। कन्वर्सली सपोज एक्स इज एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ कैपिटल ए, तभी तो कहते हैं ना सामने वाला अगर मुझसे टक्कर लेना चाहता है तो पहले मेरे बराबर मेहनत करना चालू कर दे, जब नहीं कर सकता है तो फिर आओ आओ ना बकते, क्योंकि आओ आओ बकना वो सपने में बकने की निशानी होती है, आप सोते हुए बक रहे हो उसका कोई वजूद नहीं होता है। जी भी सर भी तो अमन सर के साथ चले, किसके साथ? अमन दत्तात्रेय, दत्तरवाल हम उनको दत्तात्रेय कहते थे, उनके भी मैंने सुने हुए लेकिन बहुत ज्यादा नहीं सुने हैं। ये बायजूस से उसमें आ गया एटॉस मोशन में, तो इसका मतलब एटॉस मोशन फिर से बनेगी, अपना कॉलेज उनका चैनल है, अपना कॉलेज नहीं, अगर यूट्यूब चैनल पे चल रहे हैं तो पक्की बात है फिर एक कोचिंग कोटा में कहीं ना कहीं डेवलप हो रही होगी अंदर खाने में। अमन का लेक्चर सुने हुए हैं ना, लेकिन बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आया तो नहीं सुने उसके बाद, फिर इतना पढ़ लिए ना कि अब जो बता रहे थे बड़ा हल्का लगने लगा, तो फिर मेरे को ये था अब हम आई में राउंड सॉल्व करेंगे, तो हम आई में राउंड उठा लिए सॉल्व करने के लिए, हालांकि आई में राउंड का भी लेवल अब मेरे लिए कम हो गया था, जब पढ़ डाले उतना तो आई में राउंड का भी लेवल कम हो, आई में राउंड बड़ी अच्छी किताब मानी जाती है फंक्शन की, लिखना दैट इज अर्थात सुनो, हम ये मान रहे हैं कि माना एक्स
कैपिटल ए का कौन सा पॉइंट है? एक्सटीरियर। और अगर वो ए का एक्सटीरियर है तो कॉम्प्लीमेंट का कैसा होगा? इंटीरियर होगा। लिखना, दैट इज अर्थात एक्स बिलोंग टू द ए कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर। ठीक। और अगर एक्स ए कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर है तो बात तो फिर वही आई कि इसका मतलब ए कॉम्प्लीमेंट इज द नेबरहुड ऑफ एक्स, यानी दिस इंप्लाइज दैट ओपन स्क्वायर विद सेंटर एक्स एंड रेडियस आर1, जो शुरू में माने थे ना वही रेडियस लेकर के चल रहे हैं। ओपन स्क्वायर विद सेंटर एक्स रेडियस आर1 इज द सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। वो किसमें चला गया? ए कॉम्प्लीमेंट में चला गया। ठीक। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि दिस इंप्लाइज दैट, अब दिमाग दौड़ाना, जब आप ये कहते हो ना कि जो ओपन स्क्वायर आपने बनाया वो ए कॉम्प्लीमेंट का है, वो फिगर से नहीं बोल रहे, मैथमेटिकली लॉजिक से बोल रहे हैं कि अगर एक्स ए कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर है तो पक्की बात है ए कॉम्प्लीमेंट एक्स का नेबरहुड है, और अगर वो एक्स का नेबरहुड है तो यहाँ एक ओपन स्क्वायर ऐसा जरूर होगा जो ओपन स्क्वायर टोटली ए कॉम्प्लीमेंट में कंटेंट होगा और अपने अंदर में किसको रखेगा? एक्स को। तो वो मैंने फिगर देख के नहीं बोला बल्कि लॉजिकली बोला हुआ है। क्लियर है इतनी बातें? आप अपने दिमाग से सोच करके बताना, अगर ये ए कॉम्प्लीमेंट में है तो इसके अंदर के जितने पॉइंट हैं, इसके अंदर के जितने पॉइंट हैं वो एक्चुअल किसके हैं? तो ये एक्स भी किसका है? ए कॉम्प्लीमेंट का। यानी इस बेस पे हम ये बात लिख सकते हैं कि एस ओपन स्क्वायर एक्स विद सेंटर एक्स रेडियस आर1 इंटरसेक्शन कैपिटल ए विल बी लिखा जा सकता है। यानी दिस इंप्लाइज दैट ओपन स्क्वायर विद सेंटर एक्स रेडियस आर1 इंटरसेक्शन ए, और अगर हम उसमें से डिफरेंस कर दें एक्स तब पर भी आएगा तो कितना ही आएगा? फाइव आएगा। हाँ या ना? नोट करो। हालांकि आपको ये वाली लाइन लिखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी अंडरस्टूड है, इसलिए फालतू वाला काम नहीं बढ़ाने वाले। नाउ फॉर आर ग्रेटर देन आर वन, नाउ फॉर आर ग्रेटर देन आर वन, इसलिए आर ग्रेटर देन आर वन के लिए ये बताओ, सोच करके जवाब देना, रेडियस कितनी है? आर वन। सेंटर कौन है? एक्स। ठीक है, और आर वन कौन है? स्फीयर की रेडियस है जिसका सेंटर कौन है? एक्स। जब आप पूरे स्फीयर का ए के साथ इंटरसेक्शन लेते हो तो आपको क्या मिलता है? फाइव। मतलब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर कुछ भी कॉमन होता तो डिस्टेंस कितनी हो जाती? जीरो। लेकिन तय बात है जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो ये रेडियस आर वन जीरो तो हो नहीं सकती, यानी पक्की बात है ग्रेटर देन कितना? जीरो। ऑब्वियस ये आर ग्रेटर देन जीरो। क्लियर हुआ? और आर कौन है? आर इज द डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड ए, तो यानी डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड ए भी ग्रेटर देन कितना हो गया? जीरो। प्रूफ हो गया आपका काम। नोट कर लो, दिस इंप्लाइज दैट डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड ए इज इक्वल टू आर कंफर्मली ग्रेटर देन जीरो, यानी डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड ए इज ग्रेटर देन कितना? जीरो। इसका मतलब कंडीशन इज नेसेसरी, दिस इंप्लाइज दैट कंडीशन इज नेसेसरी, कंडीशन इज नेसेसरी। मोहित त्यागी बड़े आराम से पढ़ाते हैं, बहुत आराम से पढ़ाते हैं, उनके लेक्चर कभी सुनो ना तो एकदम इतना धैर्य के साथ पढ़ाएंगे, बहुत प्यार से पढ़ाते नहीं वो ऑनलाइन क्लास की दिक्कत है, जो नींद आने वाली बात है ना ये ऑनलाइन क्लास की दिक्कत है, ऑफलाइन क्लास में नींद तब आएगी आपको समझ नहीं आ रहा है, या तो भाई हाँ फिजिकल कंडीशन भी है, आप थके हुए हो तो आपको नींद आएगी ना, अगर आप थक गए तो आपको नींद आएगी। फिर इधर वाले पे आओगे मोबाइल इधर आ जाएगा, अब आप एक पेन से लिख रहे हो फिर ऐसे लिखोगे थोड़ी देर में आप इधर टाइम नहीं लगता सोने सही है, मतलब ऑप्टिमलिटी क्राइटेरिया चेक नहीं करना पड़ता, एक ही बार में सॉल्यूशन एग्जिस्ट। देखे ना कि
सेट पे एलिमेंट बिलोंग कर रहा है मतलब कि एग्जिस्ट कर रहे हो। हां हो गया काम, इतने से ही काम खत्म है। चलो ये हो गया, इसके बाद अगले पर आते हैं। हेडिंग डालो एडहेरेंट पॉइंट, एडहेरेंट पॉइंट एडहेरेंट पॉइंट। एडहेरेंट पॉइंट, एडहेरेंट का मतलब भाई रिश्तेदार, लगा छुआ वाला पॉइंट, कि सेट का कोई ना कोई मेंबर जरूर रखेगा चाहे वो खुद ही हो जाए। ठीक, तो इसीलिए एडहेरेंट पॉइंट हमेशा दो कैटेगरी में टूटते हैं, एक आइसोलेटेड और एक लिमिट पॉइंट, दो कैटेगरी इनकी टूटती है। दुनिया में एडहेरेंट पॉइंट हमेशा दो कैटेगरी में टूटेगा, एक या तो आइसोलेट हो जाएगा और या तो वो क्या बन जाएगा, लिमिट पॉइंट बन जाएगा। कहा जाता है कोई दिया गया पॉइंट एक्स किसी दिए गए सेट के लिए एडहेरेंट पॉइंट बनता है अगर एक्स को सेंटर मान करके खींचा गया स्फीयर इंटरसेक्शन ए कभी भी फाई ना आए, कभी भी फाई ना आए। ठीक, अब एक तो ये डेफिनेशन है एडहेरेंट की, लिमिट पॉइंट की अगर डेफिनेशन देनी होगी तो इसे मॉडिफिकेशन करेंगे, इंटरसेक्शन ऑफ ओपन स्क्वायर विद सेंटर एक्स रेडियस और इंटरसेक्शन ए डिफरेंस सिंगलटन एक्स डज नॉट इक्वल टू फाई। अगर ऐसा होता है तो अब आज की तारीख में x दिए गए सेट के लिए किसका काम करेगा, लिमिट पॉइंट का काम करेगा। क्लियर है इतनी बातें, चलो लिखते हैं। किरण लेक्चर मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला। यमने वाला नहीं मिला? अरे वही है ना, तुम ही मैसेज की थी ना? हाँ तुम ही हो ना, मैसेज नहीं मिला अभी तुमको। चलो आज देखते हैं, पॉइंट एक्स इज कॉल्ड, पॉइंट एक्स इज कॉल्ड एडहेरेंट पॉइंट ऑफ ए, एडहेरेंट पॉइंट ऑफ कैपिटल ए। कोई दिया गया पॉइंट एक्स किसी दिए गए सेट के लिए एडहेरेंट पॉइंट कहा जाएगा इफ यदि ओपन स्फीयर विद सेंटर एक्स रेडियस आर ठीक कंटेन्स रखे, कंटेन्स एटलीस्ट कम से कम एटलीस्ट वन पॉइंट ऑफ कैपिटल, एटलीस्ट वन पॉइंट ऑफ कैपिटल ए। अगर ये ओपन स्फीयर कैपिटल ए का कम से कम एक पॉइंट रखे, यूजुअल याद करो पॉइंट से टोपोलॉजी जब पढ़ा रहे थे तो वहां यूजुअल मेट्रिक स्पेस में मैंने क्या कहा था, अगर एक सेट कैपिटल ए लिया जाए तब वहां ओपन स्फीयर की बात नहीं थी, वहां क्या था, एप्सिलॉन नेबरहुड था, कि जिस पॉइंट को आप एडहेरेंट कहना चाहते हो अगर आप उस पॉइंट का एप्सिलॉन नेबरहुड बनाओ और उसका सेट के साथ इंटरसेक्शन लो तो इंटरसेक्शन कभी भी इम्पटी नहीं आना चाहिए। जैसे हम दो की बात करें तो दो को सेंटर मानो तो टू माइनस एप्सिलॉन से टू प्लस एप्सिलॉन, ये ओपन इंटरवल आया, इसका आप इंटरसेक्शन लो दिए गए सेट ए के साथ तो कुछ कॉमन आए ना आए लेकिन दो तो कॉमन आएगा ही आएगा निश्चित तौर पर, यानी दो इसका कैसा पॉइंट हो गया, एडहेरेंट पॉइंट हो गया, वन भी इसका कैसा पॉइंट है, एडहेरेंट, थ्री भी कैसा, एडहेरेंट, फोर भी कैसा, एडहेरेंट। अच्छा अगर हम इनकी बात करें, ओपन इंटरवल ले लें, ओपन इंटरवल दो से लेकर के चार तक, तो गौर करना चार इसका एडहेरेंट पॉइंट बनेगा, क्यों, जैसे भले चार सेट में नहीं है, चार सेट में नहीं है, फोर डज नॉट, जैसे हम इसको ए कहें, फोर डज नॉट बिलोंग टू द कैपिटल ए, बट लेकिन द ओपन इंटरवल फोर माइनस एप्सिलॉन से फोर प्लस एप्सिलॉन इंटरसेक्शन कैपिटल ए। अब सोचो ये रहा यहां दो यहां चार, पीछे आए तो फोर माइनस एप्सिलॉन, आगे गए तो फोर प्लस एप्सिलॉन, इतना हिस्सा क्या सेट का ही है कि नहीं, तो इसका मतलब दिस डज नॉट इक्वल टू फाइव। तो चार आज की तारीख में कौन है, एडहेरेंट पॉइंट, कायदे से कहें तो वो लिमिट पॉइंट है, यहां पर वो लिमिट पॉइंट है क्योंकि वो कुल कितने पॉइंट पर टेक कर रहा है, इनफाइनाइट, वो लिमिट पॉइंट नहीं है, वो एडहेरेंट है। तो जो लिमिट पॉइंट है वो एडहेरेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी, नहीं होंगे, कंफर्मली होंगे, एवरी लिमिट पॉइंट मस्ट बी द एडहेरेंट पॉइंट ऑफ द सेट,
बट एडहेरेंट पॉइंट मे आर मे नॉट बी रिलेवेंट पॉइंट, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्लियर है ये बातें? लिखना, दीज पॉइंट्स आर ऑफ टू टाइप्स, एडहेरेंट पॉइंट दो तरह के होते हैं। दीज पॉइंट्स ये हम एग्जाम्पल नहीं ले रहे हैं कि ले, पहले चैप्टर में बहुत एग्जाम्पल करवाए हैं। मेरे ख्याल से अगर तुमको पहला चैप्टर याद होगा ना तो तुमको ये सब कुछ ऑलरेडी समझ आ रहा होगा। इस वीडियो लेक्चर से जो भी टकराएगा वो यही सोचेगा मैं कुछ नहीं पढ़ा रहे हैं, उसको यही लगेगा हम कुछ नहीं पढ़ा रहे हैं, क्योंकि वो पहला सुनेगा नहीं। पहला वाला जो लेक्चर है वो अपना दो दो तीन तीन चार चार घंटे का है, वो उसको सुनेगा नहीं, तो उसको ये हम बोल दे रहे हैं जिससे वो सोच भी ना पाए ना, इसीलिए बोल भी दे रहे सोच भी ना पाए ना, जाकर के पहला लेक्चर देखिए, वहां सब कुछ ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है। तुम लोग नहीं पढ़ी हो, तुम लोग भी नहीं देख चुके हो ना, तुम लोगों को लग रहा है बड़ी जल्दी जल्दी निपटा रहे हैं, नहीं, पहले चैप्टर में सब कुछ लिखा है ठीक। इसीलिए हम लोग यहाँ पर इसीलिए कहते हैं, अगर आप ना खेती में सिंचाई खाद पानी सब अच्छे समय पर किए हुए हो तो बाद में आपको फसल बड़ी अच्छी मिलेगी। अब हम लोग फसल काट रहे हैं बस। प्लेलिस्ट का नाम बता दिया ना उनको, किसका नाम? प्लेलिस्ट का नाम हम तो पढ़ लिया, उनको पढ़ना होगा वो पढ़ लेंगे, हम तो मेरा चैनल है उसमें सब रियल एनालिसिस, मेरे को अपनी प्लेलिस्ट का नाम भी नहीं याद है, ईमानदारी से सभी हम नहीं बोला है। मेरे को तीन प्लेलिस्ट बनी है कि चार बनी है रियल, पहली कौन सी? पार्ट वन, फिर रियल एनालिसिस 2022 ये पार्ट टू है, फिर मैट्रिक स्पेस की अलग है, रीमान की अलग है ना, वो चार हो गए, और लिमिट कंटिन्यूटी जो पढ़ाए थे वो भी अलग है, चार एक पांच बताओ टुकड़े में है, धज्जी धज्जी जी रहे हम लोग। दीज पॉइंट्स आर ऑफ टू टाइप्स These points are of two types. ये जितने भी adherent point होते हैं दो तरह के होते हैं। सबसे पहला limit point of capital A, limit point of capital A। दूसरा हम बाद में लिखेंगे isolated point, ठीक, लेकिन पहले limit point है लिखना। अब definition पहले ही बता चुके हैं ना, फटाफट लिखना चालू करो। X is limit point of capital A. X is limit point of capital A. ठीक, if यदि open sphere with center x radius r, ठीक, contains at least one point of कैपिटल ए, आगे अदर देन एक्स, ये हाँ, स्मॉल एक्स दिए गए सेट कैपिटल ए के लिए लिमिट पॉइंट का काम करेगा अगर ओपन स्पेयर कैपिटल ए का कम से कम एक पॉइंट कंटेन करे एक्स को छोड़कर, तो एक्चुअल में वो कितने कंटेन करेगा? एक पॉइंट कंटेन करेगा। क्लियर है? ठीक, लिखना, दैट इज अर्थात ओपन स्क्वायर विद सेंटर एक्स रेडियस आर इंटरसेक्शन कैपिटल ए डिफरेंस सिंगलटन एक्स नेवर बिकम्स 5, ये कभी भी इम्पटी नहीं हो सकता है। नोट करो सर, इसमें कंडेंसेशन पॉइंट क्या होता है? किसमें? वही अनकाउंटेबल ना, काउंटेबल रहा लिमिट पॉइंट जो होते हैं ना, लिमिट पॉइंट वो दोनों कैटेगरी में करते हैं। कंडेंसेशन में कंफर्मेशन है कि अनकाउंटेबल ही रहना चाहिए, उसकी डिफिनेशन कहीं नहीं बदलती है, दोनों जगह पर सेम टू सेम चलता है। और करके लिख लेना दूसरी वाली बात, और अथवा इसलिए लिमिट पॉइंट की डिफिनेशन ना हमेशा इनफाइनाइट पॉइंट लिख करके दी जाती है, जब भी दी जाती है, क्योंकि जब आप इंफिनिटी बोलते हो ना तो आप दोनों बात बोलते हो, काउंटेबल इनफाइनाइट, सॉरी हाँ काउंटेबली इनफाइनाइट और अनकाउंटेबली इनफाइनाइट, तो ये दोनों एक ही कैटेगरी में गिरते हैं। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि अगर कोई पॉइंट लिमिट पॉइंट है तो ओपन स्फीयर दिए गए सेट के इनफाइनाइट पॉइंट कंटेन करेगा बस। और अगर यही कंडेंसेशन बोलना हो तो कंडेंसेशन में तो हम बाकायदा मेंशन करेंगे
अनकाउंटेबली इनफाइनाइट है, तब वहां पर बाकायदा आपको मेंशन करना पड़ेगा, तब वो कंडेंसेशन की कैटेगरी में आएगा। ठीक, तो लिमिट पॉइंट कंडेंसेशन हो भी सकते हैं, नहीं भी कंडेंसेशन है तो लिमिट पॉइंट तो होगा ही होगा। वो केवल एक कैटेगरी बांटी गई है कि चलो ये लोग इतने लोग हैं, तो अब दुनिया में दो तरह की इन्फिनिटी है, ये वाली आएगी तो यही नाम देंगे खाली लिमिट पॉइंट, और ये वाली आएगी तो चाहे लिमिट पॉइंट हो चाहे कंडेंसेशन का, वो एक और पर्यायवाची टाइप का एक और नाम रख लेता है। ठीक, जैसे घर का बड़ा बुजुर्ग है तो नहीं है ना, सीम पूछ तो उसके निकली नहीं है, लेकिन वो घर का बड़ा बुजुर्ग है तो वो खास हो गया आपके लिए, तो आप उसको कहोगे। बस इतनी सी कैटेगरी है। बोले और करके लिखना, और लिखना ओपन स्फीयर विद सेंटर, ओपन स्फीयर विद सेंटर एक्स रेडियस आर कंटेन्स, ओपन स्फीयर विद सेंटर एक्स रेडियस आर कंटेन्स इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट ऑफ कैपिटल ए, इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट ऑफ कैपिटल ए। एलिमेट्रिक स्पेस में उल्टा पुल्टा होने लगता है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस जो होंगे वो कासी तो होंगे, लेकिन कासी सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो ये कोई जरूरी नहीं है, जबकि हम लोग कहां पढ़ते हैं, हम लोग कहते हैं एवरी कासी सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज कासी। नहीं, यहां नहीं, यहां एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज कासी, कन्वर्स नीड नॉट बी, उसका रीजन है। ऐसा नहीं है कि वो डाइवर्ज कर जाएगा, नहीं, कन्वर्ज वो भी करेगा, मेरे दायरे में नहीं करेगा, पर वहां केवल ना दायरे का आता है, केवल दायरे का फर्क आता है। सुनो आगे बताएंगे ऐसे जान लो, जैसे इतना ही दायरा है, मैट्रिक स्पेस इतने में ही है, आपने इस मैट्रिक स्पेस के अंदर सीक्वेंस बनाया, वो सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहा है, लेकिन वो जिस पॉइंट पर कन्वर्ज कर रहा है वो पॉइंट एल आपके मैट्रिक स्पेस के बाहर है, कन्वर्जेंट है वो, लेकिन जहां कन्वर्जेंट है वो बाहर है। तो एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज कॉसी, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज कॉसी, बट एवरी कॉसी सीक्वेंस नीड नॉट बी कन्वर्जेंट। क्यों? क्योंकि दायरे के बाहर कन्वर्ज कर रहे हो। पेपर देना है 3 घंटे में ही देना है, तो रूल्स लगा दिया जाए कि 3 घंटे के बाद जैसे ही होगा आपसे कॉपी ले ली जाएगा, अगर आपके पास कॉपी रह गई तो वो कॉपी जमा नहीं होगी, तो तुमने 3 घंटे के बाद अगर 2 सेकंड छोड़ो 1 सेकंड भी ज्यादा ले लिया तो तुमसे कॉपी नहीं ली जाएगी, तुम्हारी पास रहेगी। तो तुम लिख तो दिए, कन्वर्जेंट तो हो गए, लेकिन क्या दायरे में कन्वर्ज हुए? बाहर हुए, इसीलिए आपकी गिनती नहीं होगी। वहां दायरे की बात आ जाती है कि आप तभी तक डिफाइंड हो जब तक दायरे के अंदर में, जिस दिन आप दायरे के बाहर चले गए अनडिफाइंड हो गए। जेल का कैदी जब तक जेल की दीवार के अंदर में रहे तब तक मामला ठीक हो, जेल की दीवार पे चढ़ गया ना ठाइस दाग देंगे वहीं गिर पड़ोगे। जानते इस बात को? नहीं जानते? भागना माना जाता है, अगर आप जेल की दीवार पर चढ़ गए तो इसका मतलब आप भाग रहे हो, फिर वो कुछ भी कर सकते हैं तुम्हारे साथ। तो इसीलिए कहा जाता है दायरा आपका बड़ा मेन होता है, आप उसी दायरे के अंदर में कन्वर्जेंट हो तभी कन्वर्जेंट माने जाओगे, दायरे के बाहर चले गए तो भले तुम जा करके रुक गए, तुमको खाली प्रैंक करना है, जेल का दरवाजा तोड़े और उसके बाद भागे और कह रहे हो पकड़ा पकड़ा हमका पकड़ा, गए 10 किलोमीटर जा करके, 10 किलोमीटर छोड़ 10 मीटर जा करके रुक गए, 10 मीटर में इंतजार करेंगे दाग देंगे वहीं तुरंत फुर्सत पा जाओगे, कन्वर्जेंट तुम डाइवर्स हो रहे हो। तो ये याद रखना, मैट्रिक स्पेस की दुनिया में कन्वर्ट वहां क्यों कह पाते हैं, वहां सुनो क्यों कह पाते हैं, वहां पूरा सीक्वेंस किसका होता है? रियल का। रियल की लाइन फैली कहां से? माइनस इनफिनिटी से प्लस। तो कन्वर्ज करोगे तो अपने ही दायरे में, तो मैट्रिक स्पेस में ही कन्वर्ज कर रहे हो, यूजुअल मैट्रिक स्पेस ही तो है वो, तो मैट्रिक स्पेस के अंदर ही कन्वर्ज कर रहे हो, तब हम लोग कह देते हैं एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज कॉसी एंड एवरी कॉसी सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, तब कह देते हैं। यहां क्या, यहां तो अलग अलग सेट बन रहे हैं, अब आपको एक सेट, एक डोमेन आपको दे दिया गया और डोमेन आपको बाउंड कर दिया, यहां तो बाउंडेड मैट्रिक स्पेस भी आता है, तो जब आपका डोमेन बाउंडेड हो गया आप कन्वर्ज तो किए लेकिन अपने डोमेन के बाहर किए, तो डोमेन के अंदर वाला आदमी क्या देख रहा है कि आप बाहर जा रहे हैं, मतलब डाइवर्ज कर दिया, तो वो आपको कन्वर्जेंट नहीं मान सकता है। यहां आपकी कन्वर्जेंसी तभी मानी जाएगी जब आप डोमेन के अंदर में कन्वर्ज कर रहे हो। समझ में आई बात है? ये सोचो जिसने ये सारी बातें सोची, ये लॉजिक बनाए, कितना तगड़ा दिमाग लगाया होगा, या तो बहुत फालतू आदमी था और या तो बहुत टैलेंटेड था। हाँ, इस्तेमाल करते कहाँ कौन सा? अरे बहुत जगह इस्तेमाल होता है भैया, खाली अपने लोग एप्लीकेशन पार्ट नहीं पढ़ते, बस इतनी सी बात है, एप्लीकेशन पढ़ो तब पता चलेगा ना ये थ्योरी इस्तेमाल कैसे होती है। जब तक लीनियर अलजेब्रा पढ़ते हो बस खाली पढ़ लिए, बेसिस डायमेंशन हवा हवाई वाली बातें हो गई, तुम्हारा पूरा क्वांटम, तुम्हारी पूरी ये इलेक्ट्रॉनिक्स लीनियर अलजेब्रा के ऊपर डिपेंड करती है।
इलेक्ट्रॉनिक्स में बताने कितने सवाल ऐसे मतलब लीनियर अलजेब्रा के उससे बड़े आसानी से लग जाते हैं, तो एप्लीकेशन पार्ट वहां पर है। वो बूलियन अलजेब्रा पढ़ते हो, बूलियन अलजेब्रा 0 1 0 1 0 खाली कंप्यूटर उसी पे काम करता है, 0 1 0 1 0 1 बाइनरी। सेकंड लिखना आइसोलेटेड पॉइंट, सेकंड आइसोलेटेड पॉइंट, आइसोलेटेड पॉइंट। एक्चुअली मैथ का डेवलपमेंट ही इसी बात पर टिका है कि आप फंसे कहां, पूरे मैथ का डेवलपमेंट इसीलिए कहते हैं ना मैथ का एप्लीकेशन पार्ट है, बिना एप्लीकेशन के एको गणित यहां पर बनी ही नहीं, बिना एप्लीकेशन कुछ नहीं बना। फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व होते रहे और केमिस्ट्री के सॉल्व होते रहे, जहां फंस गए अब आगे नहीं हो रहा है तो आए किसके पास, मैथमेटिशियंस के पास, जनाब फंस चुके हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में अब क्या हो, तो मैथ वाले लोग नई ब्रांच बना देते हैं, चलो ठीक है अब ऐसे ऐसे करो ये रास्ता हुआ। तो सोचो उनका चीज फंसा तो मैथ वाले ने एप्लीकेशन पार्ट में उसको लिया, तो मैथ का एप्लीकेशन ही हो रहा है वहां पर, बस अपने लोग एप्लीकेशन नहीं पढ़ते इसलिए हम लोगों को लगता है कि अरे कुछ नहीं यार फालतू का साइन थीटा। लोग मीम्स बनाते हैं, अकल के अंधे मीम्स बनाते हैं कि साइन थीटा कॉस थीटा आप तक पढ़ा इस्तेमाल कहां किए, एक चल रहा है ना बड़े फटे बांस की तरह से कोई बोलता है वॉइस से, तो आप उसमें कह रहे हैं इस्तेमाल कहां से किए, अरे तुमने नहीं किया तुम का साइन थीटा कॉस थीटा घर की ईंटा गिनना चाहते थे, ईंटा थोड़े गिनोगे। आइसोलेटेड एडहेरेंट पॉइंट is called isolated point, isolated point, isolated point। कोई adherent point जो limit point ना बन पाए उसी को हम लोग क्या कहते हैं, isolated कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ this implies that open sphere with center x radius r intersection a, जब ये करोगे तो does not equal to pi, तब तक does not equal to pi, but लेकिन open sphere with center x radius r intersection a difference singleton x must be equal to pi। तुम इन दोनों को अगर देखो यहां पर x निकाल दिया तो क्या हो गया pi, और जब तक x नहीं निकाला तब तक क्या है non empty है, तो ऊपर वाले का आउटपुट जब तक कितना आएगा x singleton x, ठीक that is अर्थात क्या नहीं छोड़ो इतना बहुत है, इतना बहुत है एक हेडिंग डालो डिराइव्ड सेट, वही सब कुछ है, वही सब कुछ फालतू वाला है डिराइव्ड सेट, डिराइव्ड सेट जानते ही हो क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट, ठीक लिख दो इट इज कलेक्शन ऑफ, लिख देना इट इज कलेक्शन ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट कैपिटल ए, इट इज कलेक्शन ऑफ, इट इज कलेक्शन ऑफ आर लिमिट पॉइंट, आर लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट कैपिटल ए, ठीक एंड डिनोटेड बाई, एंड डिनोटेड बाई कैसे डिनोट करेंगे बोल, हाँ सही बोल रहे हो, ए डैश से कर सकते हैं दोनों बातें सही, अब हम लोग ए डैश लिखे कौन डी लिखे चाक घिसती है और ज्यादा इतने पर रुको बाकी बातें कर करते हैं, देखो चौक अपनी इतनी बची हुई है अभी भी एक थ्योरम पढ़ा सकते हैं, पढ़ा भी करते हैं।